बड़ी खबर आपको बता दें मध्य प्रदेश के बहर से, जहां जनपद पंचायत बिरसा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत भूतना के ग्राम कुदान में CCF बालाघाट और पर्यावरण बचाओ अभियान टीम बिरसा की संयुक्त कार्रवाई से 131 बलिया जब्त करी गई है। आपको बता दें कि वन श्रमिक लाला जी के घर से 48 नाग बल्लियां और लक्ष्मण के घर से 83 नाग बल्लियां जब्त की गई है। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने और पर्यावरण बचाओ अभियान बिरसा की टीम ने चुपचाप दोनों श्रमिकों के घर दबिश दी, जहां दोनों के घर के आसपास से कुल 131 नग बल्लियां जब्त करी गई हैं। इन आरोपियों के साथ वन रक्षक के मिले होने की आशंका भी व्यक्त करी जा रही है। बिना किसी संरक्षण के इतना बड़ा काम करना काफी ज्यादा मुश्किल बता रहे हैं। खैर, पूरे क्षेत्र में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं ग्राम सुंदरी का रहने वाला हूँ। क्या शिकायत किए थे? शिकायत ये किया था कि जो अपना वन विभाग है बिरसा क्षेत्र में, अपना भूतना पंचायत के अंतर्गत जो कुदान आता है ग्राम, वहाँ पर अवैध उत्खनन हो रहा है, जंगलों की अवैध कटाई हो रही है और व्यापार हो रहा है, और जो चट्ठे मिलते हैं ग्रामीणों को, वो चट्ठे 285 रुपये में ना मिलते हुए हर किसी को 600 रुपये में मिला है। इसके संबंध में मैंने शिकायत किया था पर्यावरण विभाग के जो हमारे संस्थापक हैं, अपने श्री शरद कुमरे जी जो भोपाल में हैं, मैं उन्हें शिकायत किया था कि पर्यावरण विभाग के तहत तो यहाँ पर जांच होना चाहिए पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत। तो उन्होंने जांच के दौरान उन्होंने वहाँ पर कंजर्वेशन अधिकारी को बोलकर उन्होंने पूरी जांच टीम बालाघाट से यहाँ पर भेजा था कल, और कल जब जाँच के दौरान वहाँ पर जो वन श्रमिक है, वन सुरक्षा श्रमिक है लालजी, उसके यहाँ से टोटल 48 बल्लियाँ प्राप्त की गई हैं, और उसी के घर पड़ोसी मरकाम है, उनके यहाँ से 83 बल्लियाँ प्राप्त की गई है। क्या वन विभाग के द्वारा जब्ती कर ली गई? तो ये अभी तो वन विभाग के द्वारा जब्ती कर ली गई है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो सिपाही हैं श्री बुद्धिराज बघेल जी, इनका कहीं ना कहीं मुझे संरक्षण नज़र आ रहा है, क्योंकि जो वन रक्षक हैं उनके यहाँ 48 बल्लियाँ प्राप्त होना, ये कहीं ना कहीं ऐसी शंका बनी हुई है कि इसमें वन विभाग का पूरा टीम इसमें शामिल है। यदि सिपाही के होते हुए सब ये हो रहा है, वन रक्षक के माध्यम से ये हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें पूरा टीम इनका इन्वॉल्व है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। R9 भारत के लिए अरविंद चौधरी, बहर, मध्य प्रदेश।